लाए हैं मम्मा की रसोई करके। यहाँ भिलाई में एक बहुत ही पॉपुलर फूड सर्विंग जगह है जहाँ पे करीब 5 रुपए में भाई साहब बहुत ही डिसेंट क्वालिटी का खाना प्रोवाइड किया जाता है। आज है काले चने और उबले आलू की तरी वाली सब्जी, जीरा राइस और सलाद और देसी। 5 रुपए वाला कंसेप्ट ऐसा था कि ये करीब 400 के आसपास है, 400 लोग आ जाते हैं। कहाँ से फोन आए? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, सब जगह से। व्हीलचेयर्स देते हैं, पेसमेकर्स देते हैं, हमने अभी 12 पेसमेकर्स दे चुके हैं। अभी 20 किलो बना रहे हैं, बीच में 32 किलो तक बनाते थे जब ये ओवरब्रिज नहीं था। तो देखे ना, अच्छा अब मजा भी आता है ऐसा नहीं। अच्छा, काम करने में वो देना और आज का देना। अच्छा हाँ, कभी अपन ने पलट के नहीं देखा हमारी के अगर 2 साल तक भी स्पॉन्सर नहीं आए तो भी कोई टेंशन नहीं। वीक में मतलब 2 दिन और करने की सोच रहे हैं। देखिए जीरा राइस का जो पानी में कितना तेज उबल आ चुका है और मसाला ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। और ये है फाइनल सूजी का हलवा का, देखिए लो चुका है। इसमें चावल है, चने की सब्जी है और सलाद है और ये सूजी का हलवा। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग आ गए हैं अभी भिलाई के सुपेले एरिया में और आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं मम्मा की रसोई करके। यहाँ भिलाई में एक बहुत ही पॉपुलर फूड सर्विंग जगह है जहाँ पे, जो कि सुपेले एरिया में है। और इस मम्मा की रसोई में लोगों को करीब 5 रुपए में भाई साहब बहुत ही डिसेंट क्वालिटी का खाना प्रोवाइड किया जाता है। गरीब लोग जितने भी हैं आसपास से, काफ़ी लोग यहाँ पे करीब 400-500 लोग आके एवरी संडे को करीब 1 से 1.5 बजे के बाद यहाँ पे अपना खाना खाते हैं और उनका डिग्निटी मेंटेन हो, इसलिए उनको 5 रुपए उनसे लिया जाता है। और 5 रुपए में भाई बहुत बेहतरीन क्वालिटी खाना मिलता है। तो चलिए आज हम इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पे किस तरह का फूड मिलता है, कैसे फूड बनाते हैं, कहाँ से फंड रेज करते हैं, कब से चालू हुआ था, क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल होता है। हम दिखाने वाले हैं यहाँ का मेकिंग कैसे हो रहा है, सब्जी वगैरह कैसे तैयारी वगैरह करते हैं। तो काफ़ी सारा चीज़ मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। और इस तरह मैं इससे पहले भिलाई और दूर एरिया में काफ़ी सारा फूड ब्लॉग, फूड फेमस वाला दुकान जो है उसको कवर करके अपने चैनल पर डाल के रखा है। तो वो सबका लिंक जो है अपना डिस्क्रिप्शन पे है, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अब तो चलिए इस सबको हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो हम लोग अगर थोड़ा सा लोकेशन की बात कर लें भाई साहब, तो सुपेला का देखिए ये आपका फ्लाईओवर है और इस तरफ अपोजिट में देखिए आपका AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है और ठीक उसी के सामने ही यहाँ पे देखिए लगा हुआ टेंट और यहीं पे है मम्मा की रसोई का मेकिंग वगैरह सब यहीं होता है और लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन भी यहीं पे होता है। और इनका ये वैन है, यहाँ पे सब सेटअप है, देखिए 2-2 चूल्हा है और इस तरफ यहाँ पे पानी स्टोर करते हैं और साफ सफाई भी करते हैं। लोकेशन सुपेला फ्लाईओवर के जस्ट सामने और इधर IDFC फर्स्ट बैंक और AU बैंक के जस्ट सामने यहाँ पे सेटअप है पूरा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मम्मा की रसोई का जो मेकिंग देख लेते हैं और सब लोग यहाँ पे सब भिड़ गए हैं। आज का आइटम अगर बता देंगे क्या क्या बनता है? आज है काले चने और उबले आलू की तरी वाली सब्जी, जीरा राइस और सलाद और देसी घी हलवा। 2 चूल्हा लगाया गया है, दोनों में ही प्रेशर कुकर लगाए गए हैं। तो सबसे बात करते हैं क्या क्या चीज़ है। काले चने और इधर आलू बॉयल हो रहा है, अभी काले चने जो है वो बॉयल हो चुका है और सब लोग सब भिड़ गए हैं। देखिए इधर आपका प्याज वगैरह कटिंग हो रहा है और इधर आपका देखिए ऑलमोस्ट टमाटर वगैरह कटिंग चालू हो गया है, प्याज टमाटर जीरा। तो सर इसका शुरुआत कैसे हुआ था, कब से हुआ था? शुरुआत हुआ था 2018 जून 4 को। और पहले बार मैं, क्योंकि मैं CCTV काम करता हूँ तो CCTV वाले सारे आए थे, वो उन्होंने हेल्प की थी। उसके दूसरे हफ्ते ही, पहले 9 जने थे, दूसरे हफ्ते 2 जने रह गए, तीसरे हफ्ते मैं अकेला रह गया। अच्छा। और चूंकि पोस्ट मेरे ID से ज़्यादा था इसलिए मेरे को आगे बढ़ाना पड़ा इसको। और दूसरे हफ्ते के बाद ही एक 2 बाजवा अभी लाइन में, एक मैं हूँ और एक और सज्जन है, सीनियर हैं काफ़ी, तो उन्होंने मेरे को दूसरे हफ्ते के बाद ही 7300 के बर्तन दे दिए। अच्छा। तो वो बोझ आ गया हूँ और वो रोटरी के भी प्रेजिडेंट रह चुके हैं, मैं रोटरैक्ट का प्रेजिडेंट था एक ज़माने में, तो बहुत इज्जत है उनकी मेरे नज़र में, तो क्या उनको ना भी नहीं बोल सकते थे कि अब हम बंद कर रहे हैं। तो फिर उस समय से फिर जो करना चालू किए तो फिर पलट के नहीं देखे, फिर चलते गए। और ये अभी चावल के लिए देखते हैं, बैग जो है बैठ चुका है। अच्छा, पानी और बर्तन उस तरफ आपका स्टोर कर रखते हैं, छोटा आपका बैंक। अरे इसमें क्या किया जा रहा है अभी? इसमें तेल, जीरा, अच्छा खड़ी लाल मिर्च और तेज पत्ता, इसको फ्राई किया जाएगा, उसके बाद फिर प्याज डालेंगे और फ्राई होगा। अच्छा। चलिए, 5 रुपये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? 5 रुपये वाला कॉन्सेप्ट ऐसा था कि एक दिन हम लोग ऐसे ही ऑफिस में बैठे हुए थे, तो बेंगलोर से एक मेरा मित्र आया था सुंदरम, तो ऐसे ही मैं देख रहा था वो जो चैरिटी वगैरह के वीडियोज़ रहते हैं छोटे छोटे, तो उदास टाइप का बैठा था, तो उसने बोला कि भाई क्या हो गया? मैंने बोला यार ऐसा कुछ चालू करते हैं अपन। तो सामने कुछ बच्चे कचरे में वो बिन रहे थे थर्मोकोल की प्लेटें और कुत्तों से लड़ भी रहे थे, तो वो उसके बाद इधर आए मेरे ऑफिस की तरफ, तो मैंने उनसे पूछा वो क्या कर रहे थे वहाँ, तो बोले कि वो आइसिंग थी लगी हुई उसमें केक की,
किसी के बर्थडे की प्लेटें फिकी हुई थी तो उसको हम चाट रहे थे, और कुत्तों से इसलिए लड़ाई हो रही थी कि कुत्ते भी वही चाह रहे थे। अरे बाप। तो फिर मेरे को लगा उसी समय कि मैं बोला कुछ करते हैं, तो हमने प्लान व्लान बना के व्हाइट बोर्ड में लिख दिया। आई गई बात हो गई, 6 महीने बाद वो दोस्त फिर आया बेंगलोर से, तो फिर आया तो फिर मैं बैठा हुआ था व्हाइट बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड में कोने में वही प्लान लिखा हुआ था और चालू हुआ नहीं था, तो उसने बहुत जलील किया हम लोग को। तो उसी दिन वहीं बैठे बैठे चाय वाला आया, मैंने उसको बोला कि भैया कोई कुक होगा तो बताना, तो बोले हाँ। तो अपने साड़ू को ले आया तुरंत, 10 मिनट में फाइनल हो गया कि अगले बार क्या बनेगा क्या होगा। और तब तक CCTV वाले आते रहे तो सबको बोलते रहे, किसी ने बोला वो सब्जी दे दूंगा, तेल दे दूंगा, किसी ने बोला चावल दे दूंगा, कोई बोलता है कि चूल्हा दे दूंगा, सिलेंडर दे दूंगा, तो ऐसे करके इंतजाम हो गया और चालू हो गया अगले संडे से ही। तो ये देखिए अभी जीरा राइस के लिए डल गया है सूखी मिर्ची। ये सर हर हफ्ते अलग अलग आइटम होता है क्या? मेन्यू चेंज होता है। अच्छा, कॉमन क्या चीज़ रहता है? कॉमन रहता है सलाद और राइस और हलवा। अच्छा, बट जो सब्जी वगैरह वो चेंज होता रहता है। ये डल जाता है, देखिए अभी जीरा ठीक है, तगड़ा स्मेल आना चालू हो गया। और अभी डाला जा रहा है तेज पत्ता, हमारी पेटन का बर्थडे है, संध्या करण करके उनका नाम है। अच्छा, तो उनके लिए हमने अपने हाथों से ही केक बनाया। अच्छा, और मम्मा की रसोई का ही केक है ये। जी जी सर। और कैंडल भी हम ही बनाते हैं। अच्छा, तो आज पहली बार ऐसा होगा कि हमारा केक कटेगा। अच्छा अच्छा, उनके नाम से। अच्छा, अच्छा। और कैंडल भी हमारी जलेगी। जी सर। और इसके बाद से हर संडे जो है आइसिंग वाला केक होगा। अच्छा, हाँ, ये कल परसों से आइसिंग भी चालू हो जाएगी। अच्छा। और एक और निवेदन करना चाहूँगा मैं लोगों से कि हम लोग ब्रेड भी अभी देना शुरू करेंगे गरीबों को। ओके। संडे को सुबह 5-6 ब्रेड लेके आया करेंगे, तो जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं जो रात के लिए भी खाना बंधवा लेते हैं हम लोग। जी सर। उनके लिए अपन ब्रेड रखेंगे, तो अगर कोई भी ऐसा दानदाता जो बहुत थोड़े पैसों में हमारी हेल्प करना चाहे तो वो 100-150 रुपये दे के वो ब्रेड को स्पॉन्सर कर सकता है। अच्छा, हाँ। तो ये सर आपका जो अभी बताते केक भी बन रहा था वो कहाँ, इन हाउस में भी कुछ होता है क्या? सब वहीं बनता है। केक, कैंडल और चॉकलेट्स। अच्छा, ये तीनों हम लोग खुद ही बनाते हैं। तो ठीक है सर, तो अभी डाला गया, देखिए प्याज और इसको भी फ्राई किया जाएगा। और अब डाल दिया गया इसमें नमक। तो उसके बाद थर्सडे से जो दानदाता वगैरह हैं वो हेल्प कर देते हैं हमारी। अच्छा। और संडे सुबह फिर वही मेन्यू बनता है जो हमने डाला है। एक आध बार या 2-3 बार ऐसा हुआ है कि संडे को जैसे स्टाफ की कमी होती है तो मेन्यू को जैसे उबलने वाली जो चीज़ रहती है जैसे राजमा हो गए, छोले हो गए, उनको हटा के अपन नॉर्मल दाल कर देते हैं। अच्छा। क्योंकि दाल में कम समय लगता है, तो इसीलिए। तो सर ये आपका कौन कौन सा पेज है, मतलब फेसबुक वगैरह जैसे आप बता रहे थे? फेसबुक पे है रुबिंदर बाजवा के नाम से पेज है और मम्मा की रसोई दोनों के नाम से पेज है, तो उसमें सारा अपडेट आ जाता है। हाँ हाँ, सब अपडेट आ जाता है। इसके अलावा हम लोग व्हीलचेयर्स देते हैं, पेसमेकर्स देते हैं, हमने अभी 12 पेसमेकर्स दे चुके हैं अभी। ओके। वो भी 5 रुपये में। सर वो कैसे देते हैं, मतलब किस वो जैसे पेसमेकर में क्या होता है कि जैसे किसी बुजुर्ग को पेसमेकर लगा है वो अचानक एक्सपायर हो गए तो डॉक्टर क्या है कि वो निकाल के उनके घर वालों को दे देते हैं। तो हमने फेसबुक पर डाल के रखा है कि भाई अगर किसी के पास भी पेसमेकर हो तो हमें दें, तो फिर हमें देते हैं, तो हम अपने फेसबुक पर डालते हैं कि भाई जिसको पेसमेकर चाहिए तो वो हमसे कॉन्टैक्ट करें। अच्छा अच्छा। तो कभी बिहार से, कभी बंगाल से, पंजाब से, हरियाणा वगैरह से भी कॉल आते हैं हमारे पास। लेकिन हम लोग जनरली ये सोचते हैं कि भाई लोकल लोगों को ही दें ताकि उनका जो बात का रिपोर्ट है वो भी पता चलता रहे। तो सर ये पहले स्टार्टिंग हुआ था खाना से ना? पहला जो स्टार्टिंग खाना से, खाना से। और अभी काफ़ी चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस किया है। हाँ हाँ। और लोगों काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। जी। और काफ़ी ब्रॉड लेवल बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। हाँ हाँ। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये भी हमने क्राउड फंडिंग से ही ली। अच्छा। इसमें 2 जनों ने अमेरिका से पैसा दिया था और 1 जने ने दुबई से पैसा दिया था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये वैन ली है। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि एक और गाड़ी लेके उसमें ऑटोमेटिक रोटी वाली मशीन लगा दें जो 1 घंटे में करीब 500-600 रोटी बनाती है। तो उसमें क्या है कि कई बार हम लोग यहाँ पर रोटी भी चला सकते हैं और 1-2 दिन और भी चला सकते हैं कहीं और दूसरी जगह पे। तो ये अभी जीरा राइस के देखिए ऑलमोस्ट सब फ्राई हो चुका था, तो इसमें अभी पानी वानी डाल के तैयारी कर दिया जा रहा है। ये जो फोटो लगा सर वो ऐसे बताइए। हाँ, ये जो फोटो है ये अभय शर्मा जी हैं। ये पहले सुपेला थाने में पेट्रोलिंग में थे, तो संडे वगैरह इनकी गाड़ी आके यहाँ लग जाती थी और इनके सारे जितने सबॉर्डिनेट्स थे और ये खुद थे तो हेल्प करते थे। जी सर। ये फिर एक्सपायर हो गए दुर्ग में जाके। अच्छा। दुर्ग शिफ्ट हो गए थे, वहाँ एक्सपायर हो गए। और जो बाजू में मैडम है वो, उनका नाम है आयशा करदार, वो सिविक सेंटर पोस्ट ऑफिस में थी। उन्होंने हमें गंज दी थी जिसको हम लोग हलवा गंज बोलते हैं, तो उसी में आज तक हलवा बनता है। ये भी एक्सपायर हो गई थी, तो इन दोनों की याद में हमने इनका फोटो लगाया। अच्छा अच्छा। काफ़ी मतलब
पीछे बहुत कहानी है। आपका जो मम्मा की रसोई है ना, मुझे मेरा खत्म ही नहीं होगा लग रहा है, सारे एक एक चीज को लेकर स्टोरी है सर। ये पहली बार है तो इसीलिए थोड़ा छोटा केक है। अच्छा अच्छा। और ये हैंडमेड कैंडल, इसको आप सूंघ के देखिए, खस की खुशबू है, काफी अलग खुशबू से काफी बढ़िया लग रहा है ये। इसको ये जब जलेगा तो इसमें खुशबू देगा। अच्छा अच्छा। तो ये आपने खुद बनवाया सर? ये खुद बना इन हाउस। बढ़िया। और देखिए केक कितना बढ़िया लग रहा है, पूरा काजू वगैरह मिला के। तो अभी अभी आलू जो है बॉयल हो चुका है, इसको अभी निकाला जाएगा कुकर से। सर ये जो खाना बना रहे हैं आप, स्टार्टिंग से खाना बना दे कि नहीं? पहले कुक आया करता था। ओके। उसके बाद फिर वो कुक भी नया नवेला ही था। हाँ। तो तीन चार बार उसने कभी गीला बना दिया, कभी कच्चे बना दिए। तो हमने उसको बोला तो वो बोलता है यार ये नया चावल है। तो बचपन से अपन सुने थे कि भाई नया चावल नहीं यूज़ करना चाहिए, पुराना चावल होना चाहिए। तो हम लोग भी कन्फ्यूज हो गए थे। उसके बाद एक दो बार दूसरे कुक आए, उन्होंने बोला नया पुराने से कुछ नहीं होता, आपको पानी उस हिसाब से डालना है। उसके बाद फिर हमने वो कुक छोड़ गया। हमने तीन चार हफ्ते तो इधर उधर तलाश करते रहे। 800 रुपये का बोरा आता था, एक आदमी ने बोला 1000 रुपये लूँगा बनाने का। तो फिर मित्र हैं कमलेंद्र जी, उन्होंने बोला कि यार बना के देखते हैं, ज़्यादा ज़्यादा जलेगा या खिचड़ी बनेगी, लेकिन बना लेते हैं। वो दिन है और आज का दिन। अच्छा। हाँ, कभी अपन ने पलट के नहीं देखा। पुलाव बना लेते हैं अपन, सब्जी जिस टाइप की मर्जी बोलो, मटर पनीर 50 बार खिलाया अपन ने। हाँ, और सलाद और वो खैर हलवा तो रहता ही है। और अच्छा अगर कोई जैसे अच्छा डोनेशन आता है तो फिर अपन मीठे में रसगुल्ला कर देते हैं, एक गुलाब जामुन कर देते हैं, अगर उससे थोड़ा और अच्छा है तो फिर रसगुल्ला कर देते हैं। अच्छा। अभी देखिए यहाँ पे सर लोग जो सलाद बनाते हैं ना, इसके लिए सर लोगों ने मैकेनिकल मशीन ले लिया है और इससे ही सलाद बन रहा है। अभी इससे काफ़ी काम ईजी हो जाता है ना सर? जी बहुत ईजी, बहुत ईजी। देखिए ना, अच्छा अब मज़ा भी आता है सर। अच्छा, काम करने में जी जी सर, काम करने में बहुत मज़ा आता है। अच्छा, सारा काम जो है। नहीं नहीं सर, मैं भी आनंद अलग है सर, मैं देख रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, हम लोग जैसे पिकनिक आते हैं ना सर, और सब मिलके करते हैं ना, वैसा ही माहौल लग रहा है मुझे आके। एक्चुअली हम लोग हर हफ्ते करते हैं, भी होती है, सब कुछ होता है। जी जी सर। और अभी तक हमारे इसमें सबसे पहला जो सबसे बढ़िया रहा है वो रहा है कि एक सज्जन ने पैसे भेजे हमको, बोला सबसे बेस्ट करना है, तो हमने बासमती चावल, अच्छा बासमती चावल में 1 किलो किशमिश 1 किलो काजू डाले, उसके बाद उसको बिरयानी के स्टाइल में बनाया, उसके बाद उसमें 5 किलो अनार छिड़के। बाप रे। हाँ, और उससे उसमें मटर पनीर भी था और आपका सोया चिल्ली, सोया की चिल्ली थी, और फ्राइम्स थे, हैंडमेड चॉकलेट्स थे, रसगुल्ले थे। तो बहुत बढ़िया मेन्यू था और 5 रुपये। अच्छा। हाँ नहीं सॉरी, उस दिन 5 रुपये भी नहीं, उस दिन फ्री था। अच्छा। हाँ, उन्होंने बोला था कि भाई ये फ्री होना चाहिए, तो हमने बोला ठीक है, गुलाब जामुन कर देते हैं, अगर उससे थोड़ा और अच्छा है तो फिर रसगुल्ला कर देते हैं। अच्छा। और सब्जी में मटर पनीर कर देते हैं। अच्छा। और अभी सर कितना मेंबर है यहाँ पे? अभी अभी करीब 15-1 लोग हैं। अच्छा। जिसमें से हर संडे लगभग 7-8 आ जाते हैं। ओके। हाँ, और ऐसे ही चलता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे विश्वकर्मा पूजा थी तो बहुत कम लोग आए थे मेंबर्स में से, नहीं तो जनरली 7-8-9-10 के करीब आ जाते हैं। तो सब मतलब जो होता है खुद के सब इनिशिएटिव करके आते हैं? हाँ, सब अपने तरफ से आते हैं, कोई पैसा नहीं। अच्छा, कोई कुछ अच्छा, नहीं है सर। और सब ऑलमोस्ट सब देख रहा हूँ मैं, काफ़ी ये जैसा मतलब रिटायर्ड वगैरह। हाँ, रिटायर्ड हैं ये दोनों, तो रिटायर्ड हैं। ओके। और ये भी रिटायर्ड हैं। ओके ओके। इनका JCB का काम है। अच्छा। मैं तो बिजनेस ही करता हूँ, तो रिटायर्ड और बिजनेस दोनों में। और एक आध दो जो और बुजुर्ग दिख रहे हैं वो भी रिटायर्ड। अच्छा। मिलजुल के काम करते हैं, किसी के लिए ऐसा नहीं ये करो वो करो, नहीं सब। तो ये अपना चावल जो है धुल के आ चुका है, करीब 26 किलो क्वान्टिटी चावल है। और यहाँ पे बनने जा रहा है जो सब्जी बनने वाला ना काले चने की, तो उसे उसके लिए बैग देखे तैयार हो चुका है, तेल डाला जा रहा है देखे सब्जी के लिए। और ये इधर देखे आलू जो है बॉयल होके अभी निकल चुके हैं, और इसको छीले जाएंगे सब्जी के लिए। ये देखिए लहसुन प्याज का ऐसा मिक्सिंग हो चुका है ये, और ये धनिया का। ये कहाँ पे सर पेस्टिंग हुआ? ये अभी कहीं से पेस्ट करके लाए हैं। सामने। अच्छा, सामने वहाँ पे करके आलू निकालना, छील रहे हैं अभी। जीरा डल चुका है, अब डाला जाएगा सूखी मिर्ची, अभी डालेंगे इसमें तेज पत्ता, ये देखिए, और इसको थोड़ा सा अभी फ्राई किया जाएगा। इन सब की तैयारी कितने बजे से हो जाता है? 10 बजे से, सुबह 10 बजे से। मतलब क्वांटिटी कितना बन जाता है? अभी 26 किलो बना रहे हैं, बीच में 32 किलो तक बनाते थे जब ये ओवरब्रिज नहीं था, तो सामने से आते थी पब्लिक। ओके। तो अभी उसको कम कर दिए हैं, अभी 26 किलो ही बनाते हैं एक कट्टा पूरा। वो पूरा एनफ हो जाता है? हाँ, एक्चुअली क्या है, आप 50 किलो भी बनाओगे तो 50 किलो खत्म होने के बाद भी दो जने आएंगे, आएंगे कि भैया ये खत्म हो गया। तो 26 किलो है, 26 किलो में हम अभी स्टिक हैं,
तो 26 किलो खत्म होने के बाद भी 10-15 लोग आ जाते हैं कि भैया खत्म हो गया, क्या ये हो गया। तो मतलब एक डेढ़ घंटा में पूरा खत्म हो जाता है आराम से, आराम से। तो कितना लोग आते होंगे सर यहाँ पे? ये करीब 400 के आसपास है। 400 लोग आ जाते हैं, सबको टाइमिंग वगैरह पता है आराम से? हाँ हाँ। और ऐसा होता है कि जैसे बड़े बड़े जो गंज रहते हैं जी सर, जैसे स्टाफ कम है, बड़े बड़े गंज है, तो जो पहलवान टाइप के लोग आते हैं खाने, उन्हीं को बुला लेते हैं, आओ भाई गंज उठाओ लगाओ, तो वो भी हेल्प कर देते हैं जी सर। कई बार ऐसा हुआ है कि स्टाफ की कमी की वजह से हमने उसी के किसी आदमी को बोला कि तू सलाद बांट, तो वो बेचारा आधे पौन घंटे सलाद बांटता फिर चला जाता, फिर किसी दूसरे को पकड़ लेते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं। जी जी सर, काफ़ी बढ़िया सर। तो अभी मतलब काफ़ी बड़े लेवल पर काफ़ी अच्छा हो गया ना। और अब इसमें डाला जा रहा है प्याज, और काफ़ी जो क्वालिटी है ना भाई सर, जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है सब बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का, जैसे घर में खाना बनाया था वैसे ही खाना बना जा रहा है। तो उस टाइम सर पहला बार लोगों का रेस्पॉन्स कैसा था? लोगों को पता नहीं होगा। हाँ, लोगों को पता नहीं था, और सब्जी भी ना थोड़ी सी अजीब सी बनी थी। ओके ओके ओके। मतलब मिक्स वेज बनाया था, तो वही हमें समझ में आया था कि मिक्स वेज बना देते हैं, और मिक्स वेज में गोभी आलू सब था, और तरी बहुत कम थी, लेकिन फिर भी करीब 70-80 प्लेट गई थी। अच्छा। और बड़ा अच्छा लगा था। और एक हैं तारिक भाई, वो हमारे पहले ग्राहक थे, तो वो गाड़ी का काम करते हैं, तो वो पहले बार उसका वैसा था। अब ऐसा होता है कि हमारा 26 किलो चावल अभी तक का रिकॉर्ड है 27 मिनट में ख़त्म हो गया, बांटते बांटते 26 किलो चावल 27 मिनट में ख़त्म हुए, सबसे मतलब तगड़ा रिकॉर्ड है हमारा। तो अभी सर थोड़ा सा फ्राई किया जाएगा, अब अभी डाला जा रहा है धनिया पाउडर, अब डाला जा रहा है हल्दी, और अब डाला जा रहा है इसमें गरम मसाला, डाल रहा है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, और अब डाला जा रहा है इसमें नमक। मसाला का लुक काफ़ी बढ़िया आ गया अभी। हम लोग एक वीक में मतलब दो दिन और करने की सोच रहे हैं जी सर, एक शायद स्मृति नगर में करें। अच्छा। क्योंकि स्मृति नगर के जो वहाँ के जो सोसाइटी के हेड हैं, हाँ, तो उनसे हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि भाई आप जो जगह बोलोगे आपको मिल जाएगी। ओके। तो हमको तो एक एक दिन के लिए आधे पौन घंटे के लिए जगह चाहिए, एक टेबल के लिए। हाँ, हाँ। क्योंकि खाना तो वहाँ बनेगा नहीं, खाना एक जगह बनेगा, वहीं से डब्बों में डाल के हम लोग ले जाएंगे। तो उस हिसाब से सोच रहे हैं, तो मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर के आसपास चालू करने का। हाँ, और ये देखिए अभी टमाटर डल चुका है मिक्सिंग हो के आके, और मसाला काफ़ी बढ़िया लग रहा है दिखने में। और ये देखिए आलू हो गया मैश सब्जी में डालने के लिए, और अभी देखिए जीरा राइस का जो पानी में कितना तेज उबाल आ चुका है, अभी डाला जाएगा चावल, उसे फंडिंग सर कैसे हुआ था? पहला वाला जो था आपका पहला वाला फंडिंग, एक हमारे मित्र हैं परवेज भाई। ओके। उन्होंने 2500 रुपये अपनी तरफ से दिए थे। ओके। और क्योंकि हमको फाइनल एक्सपेंसेस का पता ही नहीं था, तो प्लेट्स आ गई, वो आ गई, टेंट का आइडिया ही नहीं था, हमने बोला पेड़ के नीचे करेंगे कुछ होगा नहीं, तो पेड़ से कुछ कुछ गिरता रहा, तो फिर किसी ने बोला टेंट लगाओ, टेंट वाले से पता किया, बोले 800 रुपये लूँगा, तो वो एक और फंडिंग जुड़ गई। तो ऐसे करके पहली बार में तो कोई फंडिंग का आइडिया नहीं था, लेकिन उन्होंने जो 2500 रुपये दिए थे वो मतलब उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की। उसके बाद से लगभग 135 हफ्ते तक, 10 हफ्तों में एक आध कोई आता था स्पॉन्सर, उसके बाद 135वें हफ्ते में ये भिलाई टाइम्स वालों ने एक वीडियो डाला, वो हो गया वायरल। उसके बाद से दुनिया जहाँ से फ़ोन आए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, कैनेडा, सब जगह से। उसके बाद फिर हम लोग ने अमेरिका वालों को बोला कि भाई, उन्होंने पूछा कितना पैसा लगता है, हमने बोला 4000 रुपये लगता है, तो बोले यार ये 30-40 डॉलर तुमको भेजेंगे तो क्या मतलब है, बोले कुछ बड़ा करोगे तो हमको इन्वॉल्व करो। फिर हमने वैन खरीदने की सोची, तो वैन में उनकी हेल्प की। अच्छा। तो ये वैन उन्हीं के पैसे से आई है। अच्छा। और आज का ऐसा है, ऐसी स्थिति है हमारी कि अगर 2 साल तक भी स्पॉन्सर नहीं आए तो भी कोई टेंशन नहीं है। 2 ईयर्स तक, हाँ, 2 साल तक भी कोई स्पॉन्सर नहीं आएगा तो हमारी ऐसी खुद की मतलब रसोई की इतनी औकात है कि चला ले। काफ़ी अच्छा खासा बफर स्टोरेज हो चुका है मतलब। जी सर। और यह है वो काले चने जिसका सब्जी बनने वाला है, ठीक है, और मसाला ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, तो अभी इसमें डाला जाएगा मेस किया हुआ आलू और काले चने। सर ये बोर्ड में क्या क्या रहता है, क्या मेंशन करते हैं इसमें? इसमें जो भी स्पॉन्सर हैं उनके नाम रहते हैं, और जो जैसे हमारे फेसबुक से जुड़े हुए हैं, और उनमें से 80-90% ऐसे होते हैं जिनको मैंने आज तक देखा भी नहीं, उनका भी बर्थडे होता है तो हम उनको भी मेंशन कर देते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे आज जो संध्या है जिनका बर्थडे है, वो हमारे साथ काम कर चुकी हैं,
लेकिन उनको मिले हुए मुझे करीब 4-5 साल हो गए। अच्छा हाँ, तो उनका आज बर्थडे है तो इसलिए उनको भी मेंशन कर रहे हैं। ओके सर, ये 206 मतलब इतना वीक हो गया है। 206 वीक हो चुका है, ये 4 ईयर प्लस हो चुका है। और अभी इसमें डाल दिया गया आलू मैश किया हुआ, तो और देखिए और गाढ़ा हो चुका है सब्जी पूरा आलू के बाद। सर तो ये टाइमिंग कितने में चालू हो जाता है पूरा खाना जो है लोगों को सर्व करना? 1:30 से 2 के बीच में। अच्छा 1:30 से 2 मतलब 1:30 बजे लोग आ सकते हैं? हाँ हाँ। और ये ऑलमोस्ट जो है चावल हो चुका है, जीरा राइस और मसाला ऑलमोस्ट हो चुका है, तो इसमें डाला जाएगा अभी काला चने और डाल दिया जा रहा है चना पूरा। और ये देखिए चना डल चुका है अभी, तो फिलहाल अभी करीब 12:30 होने वाले हैं। तो आपका सब्जी ऑलमोस्ट तैयार हो गया अभी 10-15 मिनट लगेगा। और उधर जीरा राइस कम्प्लीट हो चुका है और सलाद भी पूरा यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और भाई साहब मैं बहुत ही बारीकी से एक्चुअली यहाँ पे जो फूड मेकिंग है उसको देख रहा हूँ और बहुत ही सब दिल से बना रहे हैं भाई साहब, जैसे अपने घर में बनाते हैं। और इंग्रेडिएंट वगैरह जो भी है काफ़ी प्योर है, बहुत हाई क्वालिटी का है और काफ़ी हाइजीन मेंटेन करके लोग बना रहे हैं। ओके तो फाइनली जीरा राइस हो चुका है, देखिए किस तरह का बन रहा है ग्रेवी, काफ़ी बढ़िया लुक है, स्मेल भी काफ़ी ताबड़तोड़ आ रहा है। ये सब सील कर दिया गया क्योंकि थोड़ा सा और अच्छे से मॉइस्चर ऑब्जर्व हो जाएगा बोल के। पानी देखिए पहले पेपर डाला उसके बाद पानी ऊपर डाल दिया गया, तो जैसे जस्ट लाइक दम बिरयानी है वैसे ये पक रहा है। और ये फाइनली देखिए जीरा राइस हो चुका है रेडी, अब इसको करेंगे शिफ्ट। और ये डाल दिया गया भिगोना, मतलब बड़ा डेग जो भी है इसमें बनेगा सूजी का हलवा। और देखिए देसी घी डाला जा रहा है पूरा प्रॉपर, और देसी घी का जो स्मेल है भाई साहब काफ़ी ख़तरनाक आ रहा है अभी। तो ये देखिए डाला गया अभी इलायची, और ये देखिए किशमिश बड़ा हो चुका है, अभी डाला गया इसमें सब सूजी। और ये देखिए फाइनल जो है प्रोडक्ट का लुक काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो फिलहाल अभी जो केक बनाया गया हैंडमेड उसी से हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं अभी। और केक भी हैंडमेड है और जो कैंडल है ना वो भी हैंडमेड है। ये हैंडमेड केक है मम्मा की रसोई द्वारा और हैंडमेड कैंडल ही है, इसमें खस की खुशबू है। और ये आज जितने भी लोग बर्थडे हैं जिनका भी, संध्या जी का, कोल्टे मैडम का और देवांगन जी का, उनके लिए हम यहाँ पे केक काट रहे हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। चलो भाई, अरे आ जाओ साहब, आ जाओ भैया थोड़े हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो जी, अरे खाइए। बहुत बहुत बधाई हो और लंबा जीवन प्राप्त करें जिनका भी बर्थडे आज। और ये देखिए पूरा अचार को इसे मिक्स किया जा रहा है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रहा है अचार का पूरा। और ये है फाइनल सूजी का हलवा का देखिए लुक। और ये देखिए अभी बैनर लगाया गया है जो मम्मा की रसोई है उसका। तो फाइनली अभी 1:30 हो जाएगा और सेटअप ऑलमोस्ट रेडी है। और चलिए बात करते हैं, चलिए पेमेंट कैश और ऑनलाइन दोनों रहता है क्या? यहाँ पे आप आके पेमेंट डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन और कैश दोनों है। साथ में प्लेट का सेटअप हो चुका है और ये यहाँ का देखिए चावल लग चुका है यहाँ पे डेक में। उस पर दिया आ गया देखिए पूरा गर्मा गर्म सब्जी है यहाँ पे सेकंड रो में। और थर्ड जगह पे देखिए आपका सलाद है, इसमें काफ़ी सारे वेजिटेबल है, साथ में अचार लगाया गया। और ये है आपका फाइनल जो है सूजी का हलवा है, बहुत ही ख़तरनाक लुक है। तो ऐसे सेटअप है। और खाने के बाद इस तरफ आपका एक देखिए पोर्टेबल जो है ना डस्टबिन लगाया गया है, इसी बोला इसको समेट के फिर ले जाते हैं। ये 1:10 हो चुका है और देखिए लोग धीरे धीरे आना चालू हो चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया है, लोग भी आके लाइन लगने लगे हैं। और यहाँ पे देखिए चावल ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में दिया जा रहा है और चावल करने के बाद देखिए यहाँ पे सब्जी डाला जा रहा है, काफ़ी अच्छा क्वान्टिटी का मिल रहा है यहाँ पे चावल। उसके बाद यहाँ पे डाला जाएगा सलाद। तो भैया से थोड़ा सा बात करते हैं, भैया आप कहाँ से हो? मैं यहीं लोकल हूँ सर, लक्ष्मी नगर में रहता हूँ। आप यहाँ से कब से खा रहे हैं आप? मैं एक्चुअली ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है सर। ओके यहाँ मैं बैठता हूँ, जोमेटो में काम करता हूँ, तो यहाँ पास हमारा लगे रहता है तो हम लोग बैठे रहते हैं, तो डेली मतलब हर संडे को देखते हैं यहाँ पास। तो यहाँ पे कैसे पता चला आपको इस बारे में, आप देखते हो कि कुछ सुने थे कहीं पे भी? नहीं, मैं सुना भी था और एक्चुअली मैं यहाँ पास अपन जब से बैठ रहे तो ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पास क्या है क्या नहीं है,
बट क्या है, खाने का इच्छा जरूर था पर ऑर्डर आ जाता था, उसी समय ऑर्डर आ जाता था तो हमको भागना पड़ता था जाना। कैसा आपको खाना कैसा लगा 5 रुपये? हाँ सर, मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया काम कर रहे इन लोग। देखा जाए तो एक समाज सेवा कर रहे हैं और 5 रुपये में आज के डेट में तो कुछ भी नहीं मिलता सर, है ना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इन लोग के हिसाब से बहुत बढ़िया हमको, मतलब जिनको भी मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, गरीबों को मिले अमीरों को मिले। बात मुझे ये अच्छी लगी इनकी कि इन्होंने पैसा ले के दे रहे, फ्री में बांटेंगे तो क्या होता है सर कि बहुत सारा वो आ जाता है, मन मोटाव आ जाता है कि मैं इनके साथ बैठ कर क्यों खाऊं, इनके साथ बैठ कर। अभी सब पैसा दे के खा रहे, सब इक्वल है, गरीब अमीर रही सब इक्वल है बस। ठीक है भैया, ठीक, थैंक यू। और काफ़ी लोग अभी आ चुके हैं और ऐसे लाइन लगना चालू हो गया, लोगों को सर्व किया जा रहा खाना, बहुत ही अच्छे लोग काफ़ी खुश हैं 5 रुपये का खाना लेके। तो अभी हम भी अपना प्लेट लगवा लेते हैं। तो हमने अपना प्लेट अभी ले लिया है, चावल हमने ले लिया है, फाइनली सब्जी भी ले लिए हैं। अब डाला जा रहा है यहाँ पे सलाद और ये देखिए हलवा। तो फाइनली अपना जो प्लेट है रेडी हो चुका है और ये देखिए अपना थाली आ चुका है, इसमें चावल है, चने की सब्जी है और सलाद है और ये आपका सूजी का हलवा है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग टेस्ट करते हैं अभी। काफ़ी सब्ज़ी काफ़ी गर्म है और मसाला काफ़ी सिंपल डाला गया, ज़्यादा कुछ काढ़ा डाला नहीं गया, तो घर का जैसा ही सब्ज़ी लग रहा है। खाने में काफ़ी बढ़िया टेस्ट है। तो हम लोग थोड़ा सा और हलवा खा के देखते हैं। तो सूजी का हलवा भाई साहब, उसमें घी का फ्लेवर आ रहा है, खाने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो हम लोग फटाफट सुबह खाते हैं और फिर बात करते हैं। अपन 11 बजे आए थे सुबह और अभी 1:30 बज चुके हैं, खाना वाना अपन कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे मैं मेकिंग देखा क्या क्या कैसे खाना बना रहे हैं, किस तरह का इंग्रेडिएंट ये लोग यूज कर रहे हैं, पूरा अपन इनका जो हिस्ट्री है सब कुछ बात किया, आगे का क्या प्लानिंग है, किस तरह इनको फंड रेज कर रहे हैं। काफ़ी बढ़िया माहौल रहा और खाना अभी मैं खाना खा के टेस्ट भी किया और काफ़ी लोग मेरे पीछे देख रहे हैं आप, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, लोग खा के खाना खा रहे हैं और सभी कैटेगरी के लोग आप यहाँ पे खाना खा रहे हैं। 5 रुपये का बहुत ही बढ़िया खाना मिल रहा है, भरपेट खाना मिल रहा है। और भाई साहब आपका सुपेला एरिया में यू स्मॉल बैंक के सामने ही है, तो आप आके यहाँ पे एक बार ट्राई कर सकते हैं और यहाँ पे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन नंबर डाल दूंगा, आप वहीं से अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को तो आप यहाँ पे उन लोगों को आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने जो भी है नंबर से बात करके। तो होपिंग आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अपन मिलते हैं फिर और नए फूड ब्लॉग के साथ नए जगह पे, तब तक के लिए बाय बाय। तो भैया आप कब से खा रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तो भैया कम से कम 5 से 7 साल हो गया। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है अच्छा यहाँ पे, मतलब 5 रुपये से खाना मिला, क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में आप? बढ़िया है सर, बढ़िया सर, गरीब आदमी के लिए जो भी मजदूरी रोज जो भी चीज़ है खाना पीना अच्छा मिल रहा है, बस टेस्टी भी काफी टेस्टी अच्छा रहता है, बहुत दूर दूर से आते हैं खाने के लिए, खास कर यहाँ पे आसपास के आने जाने वाले गाड़ी वाड़ी वाले लोग रोक के खाते हैं, मतलब 5 रुपये वो चक्कर से 4 चक्कर तक पूरा पेट भर जाता है पूरा। वही 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 वही, ठीक है भैया। 5 रुपये मतलब लोगों का डिग्निटी मेंटेन हो रहा है, पैसा दे के खा रहे हैं, थोड़ा सा एक रहता है ना फ्री में नहीं खा रहे हैं, वो फ्री में खा रहे हैं सर, फ्री में नहीं खा रहे हैं ऐसा फील होता है, और काफ़ी बढ़िया। ठीक है भैया, जो ये लोग कर रहे हैं वो लोग भी अच्छा ही काम कर रहे हैं।